हेलो दोस्त, आज का बहुत बड़ा न्यूज। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले और ग्रुप डी वाले थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ताकत लगा लीजिए। अगला पैटर्न चेंज होगा एग्ज़ाम का, ना अगली बार क्वेश्चन नहीं पूछिएगा टीसीएस लेगा या एनएसआईटी लेगा या कौन लेगा एग्ज़ाम, तो हम कहेंगे एनआरए लेगा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में। हो सकता है नवम्बर दिसंबर में इसका टेस्टिंग शुरू हो जाए। अभी इस वैकेंसी में तो नहीं होगा एनटीपीसी ग्रुप डी में, लेकिन अगले वैकेंसी से जो नॉन गजेटेड पोस्ट है उसके लिए यही होगा। और नॉन गजेटेड में ग्रुप सी एंड डी होता है। देखते हैं कौन कौन का पैटर्न है, ऑफिशियल नोटिस पढ़ेंगे यहाँ पे, समझेंगे। हो सकता है, मेरा पढ़ने का तो आदत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलेंगे। हमने भी अभी तक नहीं पढ़ा है कि उसमें क्या डिटेल है, लेकिन ये पता है कि 2022-23 वाला पैटर्न यही लागू होगा। ऐसा लक्ष्य है, न्यू रिक्रूटमेंट भी उसी समय आ सकता है या उससे पहले आ सकता है। ये सारा डिटेल में जो है सामने दिखाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा, कुछ लोगों का क्वेश्चन आता था कि कैसे पढ़े, तो मैंने आज एक मेहनत करके पूरे संडे खराब करके आपके लिए एक डिटेल किया है। तो मैं वेबसाइट पे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डालता था, लोगों का सवाल आता था कि आपने करेंट अफेयर सितंबर का डाला, वो हिंदी में है, हिंदी में डालिएगा तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में डालिएगा तो बंगाली में तो मराठी में, सब में ऐसा क्वेश्चन आता है। यानी हर आदमी की अपनी अपनी च्वाइस होती है, लेकिन जो बनाने वाला है किसी एक लैंग्वेज ही जानता होगा जनरली, और एक ही में प्रिपेयर करते हैं। तो उनके लिए जिनको और लैंग्वेज चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रहा होगा इंग्लिश में। आप चाहते हैं कि अपनी भाषा मनपसंद चूंज करें, तो यहाँ पे मैंने गूगल का सहायता लिया है। गूगल का सहायता यहाँ पे मैं वेबसाइट पे इस पर एम्बेड कर दिया है। अगर आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं तो यहाँ करेंगे सेलेक्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो सामने भी हुआ आएगा, और मोबाइल पे हैं तो यहाँ आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे भाषाएँ दी हुई है, इसमें से आप कुछ भी चूंज कर सकते हैं। जैसा कि बंगाली इधर है, एक एक करके देखिएगा तो आपको जो भाषा चाहिए वो मिलेगा। गुजराती इधर है, आपका हिंदी इधर है, अगर आप दूसरी उर्दू में चाहते हैं तो इधर है, और भी कोई भाषाएं चाहते हैं, गुजराती चाहते हैं तो गुजराती भी है, जो भाषा चाहते हैं गुजराती, मलयाली, तमिल अगर चाहते हैं तो तमिल भी इसमें है, तेलुगु भी है। आप कोई भी भारत के किसी कोने में है तो लगभग नेपाली भी इधर है, और भी कई सारा है, पंजाबी भी है, और जो भी भाषा चेंज करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार अगर चेंज करके दिखाऊं, मैं चाहता हूँ कि मैं गुजराती में पढ़ना चाहता हूँ, तो पूरी वेबसाइट ही गुजराती हो जाएगी, प्रश्न तो होंगे ही गुजराती। तो एक बार आप देखिए, केवल कुछ जो टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश का वो छोड़ के बाकी गुजराती हो गया, और गुजराती हो गया तो आप आराम से इसको पढ़ के, जैसे एक प्रश्न मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, देखिए प्रश्न ही आपका ऑप्शन ही आ गया, उसी तरीके से सारी चीज़ें का एक एक करके गुजराती में ऑप्शन आ गया, तो सारा आपका ऑप्शन गुजराती में आ गया, प्रश्न भी सारे गुजराती में चेंज हो गए। ऐसे ही अगर आप कुछ और भी चूज करना चाहते हैं तो आपकी च्वाइस है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो पर, तो यहाँ से आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। अभी का न्यूज के हिसाब से आज ही का डेट है। सबसे पहले मैं डेट दिखाना चाहूँगा, डेट के बाद में बात करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये डेट आज ही का है, जिसमें पीआईबी जारी हुआ है मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें पीआईबी में कुछ थोड़ी सी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखेगा एनआरए साल के आखिरी तक अराजपत्रित पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आवेदनी करने के लिए कर रहा है, तैयारी कर रहा है। यानी अभी तैयारी है, होगा उसको थोड़ा अभी हमें वेट करना पड़ेगा। आज इनकी सारी वो मीटिंग हुई अवधारणा के अनुसार पे, जिसमें मंत्री ने DOPT के स्वागत सदस्यों वगैरह वगैरह को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कहा है, जिसमें दो मेन है, गृह कल्याण केंद्र और केंद्रीय सेवा संस्कृति एंड खेल बोर्ड द्वारा अतिव्यापी और लक्ष्यों के उद्देश्य के बिलियन की संभावना को तलाशने को कहा है। इसके साथ भी देखा जाएगा, और साथ में देखिए दोनों को एक साथ मिला के क्या क्या किया जा सकता है। पहली परीक्षा इस साल के आयोजित करना है, और पहली परीक्षा अगर इस साल के अंत में करेंगे तो हो सकता है वो SSC का भी हो, रेलवे का भी हो, या किसी का भी हो। तो रेलवे का करना है तो पहले निकालना पड़ेगा भर्ती, बिना भर्ती के तो एग्ज़ाम होगा नहीं। पिछला के लिए इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की बात कर लिया है, तो ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वहाँ रेलवे का तो होगा नहीं, तो इसलिए कोई भर्ती आएगा उस पर टेस्ट होगा, या और SSC या और दूसरा बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसके अंतर्गत हो सकता है कोई किसी के हो जाए। तो जिसमें मीटिंग में कहा गया है कि
NRA के भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समानता वर्ष के अंत तक आयोजन करने की तैयारी कर रही है। यह देश में प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा केंद्र होगा जहां पे एक आप एक एक जिला में एक यानी नज़दीक आपका पेपर देने के लिए। जो लोग कह रहे थे कि इतनी दूर जाने पड़ता है 300 किलोमीटर, तो देखिए ये 300 किलोमीटर वो RRBI एग्ज़ाम से है, लेकिन इनका कंसेप्ट है कि नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर दिया जा सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। बैठक की कुछ तस्वीरें भी है, आगे देखेंगे सारी चीज़ें के इन्होंने बनाया है। भर्ती को आसान करना है, जल्दी बनाना है और सुधार लाना है, बहुत सारे सुधार ऐसा इनका मकसद है। जैसे जुआयो अगर दूर दराज हैं वो अपने एरिया में ही एग्ज़ाम दे वगैरह वगैरह की, महिलाओं उम्मीदवार दिव्यांग उम्मीदवार को लाभ हो वगैरह 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 है। कह रहा है कि परीक्षा केंद्र परीक्षा अंग्रेजी और 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, बाद में संविधान के अनुसूची के उल्लेख सभी भाषाओं को शामिल किया जाएगा। यानी शुरू में 12 भाषा में, बाद में जितने भी 22 भाषाएँ हैं सबको लिया जाएगा, ऐसा कहना है यहाँ पर। बाकी इसमें कहा गया है कि इसमें क्या क्या कर दिया गया है, शुरुआत कर दी गई है, क्या है, सिर्फ साइलो को हटा दिया गया है, बल्कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय एजेंसियों को एकीकृत करके दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान की गई है, तथा दूसरे पर छोड़ने के बजाय हर मामले को समाधान करने की कोशिश करने की बोला गया है, जो 21वीं शताब्दी का एक प्रारूप है। चलिए इससे तो हमें नहीं लेना, हमारा लेना है एग्ज़ाम से। तो देखिए 6 स्वतंत्र निकायों के प्रमुख संस्थानों को अधिदेश कार्य बजट वगैरह वगैरह के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी है। इनमें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, देखिए यहाँ पे एक मिनट देख लीजिएगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NIA, भारतीय लोक प्रशासन, सिविल सेवा अधीनस्थ संस्थान अधिकारी संस्थान, गृह संचार केंद्र, गृह सिविल संस्कृति खेल एंड बोर्ड और केंद्रीय वन वाले के अंतर्गत पंजीकृत होंगे। यानी 6 को मिला के एक किया जाएगा। उसके बाद नीचे में अगर देखें PIB में देखा गया है कि इसमें 2-3 लाइनें और लिखी गई है अलग अलग कहानी से, लेकिन एक जगह तो मुझे थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है। यहाँ पे केंद्रीय बाजार में जैविक दालों के अनूठे वगैरह वगैरह का यहाँ तक शायद 2017-18 होना चाहिए था, गलती से 2027-28 हो गया है। इतना था जो बढ़कर इतना में इतना करने से अर्थात बिक्री में 500% की अधिक वृद्धि हुई, यानी ये केंद्रीय भंडार से न्यूज है। और एग्ज़ाम से ऊपर देखिएगा तो एग्ज़ाम से ऊपर अगर कहें एक लाइन में हमारे लिए इतना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर ये है तो NRA कब तक एग्ज़ाम लेगी, तो यहाँ पे कह रहा है कि साल के अंतिम तक, इसको आखिरी तक यानी नवंबर दिसंबर तक एक टेस्ट के रूप में एग्ज़ाम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए अभी है मई और मई के बाद बचता है कितने मंथ, बहुत इंतज़ार नहीं है, 6 मंथ 7 मंथ मैक्सिमम, 7 मंथ 7-5-12 होता है दिसंबर। देखते हैं गवर्नमेंट की क्या स्कीम है। और पहले का जो प्लानिंग था उसमें बोला गया था कि 2022 के शुरुआत में ऐसा करने के लिए बोला गया था, जो जनवरी मार्च के सेशन में था, यानी ये डिले हुआ है। अब देखते हैं अगला टारगेट में क्या ये पूरा होता है या नहीं होता है। लेकिन CET का बेनिफिट और लॉस क्या है, बेनिफिट ये है कि रेलवे की अपनी पास, यानी हम रेलवे की बात कर रहे हैं, ऐसे ही SSC बैंकिंग भी होगा, सभी का होगा, केवल जैसी एजेंसी है दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। टेंडर में 3 से 4, 5 मंथ 6 मंथ कभी 1 साल, फिर एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाता है, बहुत सारी इशू होती है। अगर ये रेलवे अपने आप कराने लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप कराने लगा, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक तो हमें देखने के लिए अच्छा ही लगता है, लेकिन टेस्ट हो जाए तभी पता चलेगा कि CET बेनिफिट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कुछ लोगों का सवाल ये भी आएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, ये एक ऐसा टेस्ट होगा जिससे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। पहले आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी बाद में, और वैकेंसी बाद में आएगी तो उस वैकेंसी में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जब आप CET क्वालिफाई किए होंगे। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकता है, हर लेवल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CET आपको जॉब की गारंटी नहीं है। यहाँ पे कहूँगा जैसे आपका गेट होता था ग्रेजुएट अप टू टेस्ट, वैसे ही ये भी आपका CET है। वो जैसे आपका टीचर के लिए TET होता है, टीचर एलिजिबिलिटी कुछ टेस्ट होता है उनका, उस टाइप का ये CET टेस्ट होगा, जिससे कम कैंडिडेट रहेंगे और कम कैंडिडेट को फाइनल एग्ज़ाम में लेने के लिए तैयारी होगा। यानी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की रेलवे तैयारी कर रहा है। तो चलिए जैसा भी हो अच्छा है कदम,
लेकिन कदम हो जाए तब थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।